पौधे लगाई जा रही है, क्या उद्देश्य इसका लगाने का? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और वर्षा भी कम हो रही है। जो पेड़ हम लगाएंगे पर्यावरण पे शक्ति मिलेगी, बारिश होंगी। तो हमने एक अभियान चलाया, हमारे एक RW के ऊर्जा के आशुतोष जी हैं उनके सहयोग से, और हमारे पवन जी हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा जी, महेंद्र जी, PK झा जी, हमारे RW बदरपुर के चेयरमैन श्रवण सिंह जी में एक हफ्ते बाद आएंगे, क्योंकि कल परसों में मंडेंगे, एक हफ्ते थे। हाँ, 6 महीने से तो ये पवन जी कर रहे अभियान, एक हफ्ते से हमने अभियान चलाया कि हमारे क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर पेड़ को बढ़ावा दिया जाए, जिसे ये भी जीव हैं, जैसे हम जीव हैं ऐसे ही ये जीव हैं। और जो पेड़ लगाएं ऐसी जगह लगाएं जहां पेड़ ना हो, क्योंकि दिखावा नहीं करना चाहता, जहां पेड़ ना हो सफाई करके वहां करें, स्वच्छता भी रखें, स्वच्छता करके पेड़ लगाई जाए तो ये हमारे बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारी पीढ़ी आएंगी, हमारा यही अभियान है, यही हम सब मिल के पूरा सहयोग लेके हम कार्य करेंगे। और इसमें पवन जी पेड़ लाते हैं नर्सरी से खरीद के, और महेंद्र जी लाते हैं, हम सब मिलके फिर पेड़ लगाते हैं नहर नहर। हमने अभियान चलाया नहर नहर, जो नहर की ये पटड़ी है इधर तो मान लिया कोई भी तोड़ देगा, लेकिन हम नहर के किनारे किनारे सपा करके झाड़ियों को वहाँ पेड़ लगाते हैं और उनमें पानी भी देंगे डेली। कहाँ से लेके कहाँ तक पेड़ लगाए जा रहे हैं? हम अभी मीठापुर से लेके हमने कालंदी कुंज तक चल रहा, और हम हरियाणा के बॉर्डर तक जाएंगे, तो ये सारे पेड़ लगाएंगे। क्योंकि डेली हम आज 10 पेड़ लेकर आए, परसों की थी डॉक्टर साहब, ये परसों लगाए हमने पेड़। तो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं हम सब, फोन करते हैं, सब एक जगह मिल जाते हैं और वहीं फिर आके अपना अभियान शुरू कर देते हैं। हमारे बदरपुर क्षेत्र में RWA फेडरेशन की जो टीम है उसके माध्यम से हम ये कार्य कर रहे हैं, और हमने एक संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है कि पर्यावरण कैसे शुद्ध हो, वातावरण कैसे शुद्ध हो। देश में, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार कई हज़ार पेड़ों को कटवा रही है, जो कि इसके खिलाफ दिल्ली की जनता आज अदालत में जाकर के और स्टे लेकर के आई है, तब जाकर के अभी उस पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत हमने भी यहाँ पर एक बीड़ा उठाया है कि हम भी अपने क्षेत्र को स्वच्छ वातावरण रखने के लिए हम भी पेड़ों का रोपा कर रहे हैं, लगा रहे हैं नए पेड़। रोज पेड़ लगा करके हम अपने इस संकल्प को पूरा करेंगे। ये नित्य प्रतिदिन ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। इसमें हमारे दुष्यंत प्रधान जी जो क्षेत्र के सम्मानित साथी हैं, और हमारे महेंद्र जी जो हमें पेड़ ला करके हमें सहयोग करते हैं, पवन जी, हमारे प्रधान जी झा साहब, और हमारे साथी बहुत से हैं जो इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम किसी सरकार से या किसी व्यक्ति विशेष से ये हम खरीद मांग करके नहीं ला रहे हैं, हम अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से सब लोग इकट्ठा होकर के, और महेंद्र जी के सहयोग से, ये पवन जी के सहयोग से ये पौधे हमें मुहैया कराए जा रहे हैं, और हम इन पौधों को नित्य प्रतिदिन लगा करके, और हम एक संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को और दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसको, कि आप पेड़ काटने में लगे हुए हो और यहाँ पर समाज के सम्मानित लोग पेड़ रोप करके, पेड़ों का रोप लगा करके और वातावरण को शुद्ध करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेटर भी लिखे जा रहे हैं, इतने RW के लिख दिया हमने RW के माध्यम से, और अपने चेयरमैन जो हमारी RW फेडरेशन बदरपुर के जो चेयरमैन हैं स्वर्ण सिंह जी, उनके माध्यम से हमने सरकार को चिट्ठियाँ भी लिखी हैं और निवेदन भी किया है कि दिल्ली में कहीं भी कोई पेड़ ना काटा जाए। कम से कम हज़ारों पेड़ लगाए जाएंगे, ये मीठापुर से लेकर के कालिंदी कुंज तक पेड़ लगाया जाएगा, और उसके बाद मीठापुर से लेकर के ये दुर्गा बिल्डर तक जो हरियाणा की बॉर्डर है वहाँ तक ये पौधारोपण का काम हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें हमारा मुख्य भूमिका जो है वो हमारे पवन जी हैं, जो ज्ञान मंदिर RW के प्रधान हैं, उनके सहयोग हैं, और हमारा जो फेडरेशन के मुख्य जो सूत्रधार हैं वो हमारे दुष्यंत प्रधान जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं और महेंद्र जी हैं। ये वृक्षारोपण पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोग कर रहे हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर में पर्यावरण ख़त्म होती जा रही है, इससे बारिश भी नहीं हो रही है, जिससे और ख़ास करके दिल्ली में जो मुहिम चल रही है वृक्ष को काटने का, पेड़ काटने के लिए, इससे क्या है कि यहाँ का जो आने वाला समय है वो सारे बच्चे या बूढ़े जो भी हैं वो अपने शरीर से विकलांग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी है, क्योंकि किसी भी सामाजिक संस्थान ऐसा नहीं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस काम को काटने के लिए विकास के नाम पे जो है वो पर्यावरण को समाप्त करने जा रही है। तो ये सारे समाज के लोग, संगठन लोग, हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है और इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई कम से कम आप पर्यावरण को बचाओ। पर्यावरण को अगर हम बचाएंगे तो हम बच पाएंगे, इसी के ये अभियान हमारा जारी रहेगा। और ये सुबह हमारा कार्यक्रम होता है 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये हम ये कार्यक्रम करते हैं, ये हमारा नित्य कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक हम ये अभियान को पूरा नहीं करेंगे। बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ।